पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में अभिनंदन समारोह किया गया। उदयवान सिंह ने बताया कि सीता रसोई का संचालन 2019 से निरंतर किया जाता रहा है, जिसमें गरीब और अभावग्रस्त जनों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरित किया जाता है, वो भी बिना किसी सरकारी सहायता के। सीता रसोई भोजन रथ के माध्यम से महानगर के अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन भोजन वितरण होता है, तो इस भोजन वितरण व्यवस्था में जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ उन सभी का आज अभिनंदन किया गया, साथ ही निशुल्क भोजन वितरण किया गया। मुख्य अतिथि समाज सेवी हृदेश कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महिला संयोजिका सुप्रीत सिंह द्वारा गायत्री मंत्र का पाठ भी किया गया। सीता रसोई मैनेजमेंट कमेटी और संरक्षक मंडल के द्वारा सभी का अभिनंदन किया गया। जिन लोगों का सम्मान किया गया उन्होंने सीता रसोई की सराहना की। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम और आज का जो ये कार्यक्रम है अभिनंदन समारोह एवं निःशुल्क भोजन वितरण। भोजन वितरण तो हमारा निःशुल्क प्रतिदिन होता है, लेकिन आज ये अभिनंदन जो हम समाज से सहयोग ले रहे हैं, सीता रसोई को जो सहयोग दे रहे हैं हमारे सभी भाई मुरादाबाद महानगरवासी सीता रसोई को अपना निरंतर सहयोग देते आ रहे हैं 2019 से अब तक, तो अभी इन लोगों के अभिनंदन करने की व्यवस्था की गई है। आज ये कार्यक्रम अभिनंदन समारोह जो किया गया है, हमारे सभी महानगरवासी जो सीता रसोई सहयोग दे रहे हैं उनका अभिनंदन किया गया। इसमें आज हम लोगों ने 60 लोगों का चयन किया था, तो उन 60 लोगों का अभिनंदन यहाँ पर सीता रसोई पर किया गया। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कन्वे यही करना चाहूँगा कि ये हमारा निःशुल्क भोजन प्रकल्प एक महानगर वासियों को एक विकल्प दिया गया है। जो लोग प्रतिदिन भोजन कराते हैं यहाँ पर, वो लोग आगे आएं, आगे बढ़ करके आएं और यहाँ पर सहयोग दें और हम लोग जैसे समाज की सेवा में अपना सहयोग दें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।